नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम कराते हैं आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। और अब खबरें विस्तार के साथ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कावड़ यात्रा को लेकर जिला चिकित्सालय द्वारा भी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें पूरे जनपद में चिकित्सकों और एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। नगर में शिव भक्त कावड़ी के आगमन के साथ ही जगह जगह शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। आनंद भवन में शिवसेना के शिविर में शिव भक्त कावड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था। जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस भवन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएस मिश्रा द्वारा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने सर्कुलर रोड स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। नई मंडी थाना क्षेत्र के बालाजी रोड पर नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार युवक ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची घायल हो गई। वहीं लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों का नगर में आगमन शुरू हो गया है, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और अब खबरें विस्तार के साथ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुधवार को सर्व शिक्षा अभियान और उपस्थिति अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें जागरूकता रथ को जन जागरूकता के लिए रवाना किया गया। रथ का शुभारंभ जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रकेश यादव सहित सभी ABSA भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस रथ का मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक करना है, ताकि लोग अपने बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आ सकें। जैसा कि हमको पता है कि इस समय हमारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान और उपस्थिति अभियान, ये हम लोगों के चल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जनता से जुड़ाव, जन जागरण। जन जागरण के लिए जितने भी माध्यम हो सकते हैं उन सबका हम उपयोग कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि जनता के साथ जुड़ाव करके जनता के सहयोग से सभी बच्चों का पहले तो नामांकन कराएं, और नामांकन के बाद ये इंश्योर करें कि सभी बच्चे स्कूल रोजाना आएं। इस प्रयोजन के साथ आज हमने जो है जागरूकता रथ का इनॉग्रेशन किया है, आप लोगों को भी बुलाया है, क्योंकि हम चाहते हैं इस कार्यक्रम में सबके सब अपनी अपनी प्रतिभागिता करें। कावड़ यात्रा को लेकर जिला चिकित्सालय द्वारा भी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें पूरे जनपद में चिकित्सकों और एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। कावड़ यात्रा को लेकर जहां जिला प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, वहीं जिला चिकित्सालय द्वारा भी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएस मिश्रा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में 20 बेड का एक कावड़ वार्ड बनाया गया है, जिसमें कावड़ यात्रियों के लिए इलाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में भी 20 बेड की व्यवस्था की गई है। पूरे जिले में 110 बेड की व्यवस्थाएं हैं, ताकि कावड़ यात्रियों को सही समय पर इलाज उपलब्ध हो सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में 40 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर प्रत्येक जोन में एक चिकित्सक तैनात किया गया है, जो कावड़ यात्रियों को इलाज उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ 40 से 45 एम्बुलेंस विभिन्न पॉइंट्स पर लगाई गई हैं, जो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेंगी और कावड़ यात्रियों को इलाज उपलब्ध कराएंगी। कावड़ियों के लिए हमने एक अलग से वार्ड आरक्षित कर दिया है, जिसमें कि 20 बेड लगे हुए हैं। वो वार्ड सुरक्षित सिर्फ कावड़ियों के लिए, कावड़ी और ये इसके अलावा भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने मेडिकल कॉलेज में 20 बेड हमने आरक्षित करा दिया है, और पूरे जिले में हमने 110 बेडों की अलग से व्यवस्था की सिर्फ कावड़ियों के लिए। नगर में शिव भक्त कावड़ी के आगमन के साथ ही जगह जगह शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। आनंद भवन में शिवसेना के शिविर में शिव भक्त कावड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्थाएं की गई हैं। शिवरात्रि का पर्व नजदीक आता जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कावड़ियों का आगमन भी नगर में होने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन ने नगर में सभी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, वहीं अनेकों संस्थाओं और संगठनों द्वारा भी कावड़ी सेवा शिविर लगाकर शिव भक्त कावड़ियों की सेवा की जा रही है। नगर में सबसे पहले शिवसेना कावड़ सेवा शिविर का आयोजन करती है। यह शिविर आनंद भवन स्थित मंदिर में पिछले 25 वर्षों से लगाया जा रहा है। इस वर्ष भी इस शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर शिव भक्त कावड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन, चिकित्सा सहित अनेकों सुविधाएं की गई हैं। वहीं शिव भक्त भी इस शिविर में आने लगे हैं। जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस भवन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएस मिश्रा द्वारा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुधवार को जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस भवन में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएच मिश्रा ने की। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 11 जुलाई से 24 जुलाई तक मनाई जाने वाली जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस अभियान के तहत लोगों को परिवार नियोजन संबंधी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या ही बेरोजगारी आर्थिक समस्या जैसी समस्याएं उत्पन्न करती है, इसलिए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में सारथी बस को रवाना किया गया है, जिसमें अधिकारियों द्वारा लोगों को योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा है, जैसा आप जानते हैं कि हर साल हम लोग जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाते हैं, और उसी क्रम में आज हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है। जैसा आप जानते हैं, हर साल ये मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि इस समय हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या, और इससे जुड़ी और भी ढेर सारी समस्याएँ हैं। यदि हम लोग जनसंख्या स्थिर कर लें, कंट्रोल कर लें, उसको अपने मालिक कर लिए हैं, तो बहुत सी हमारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। स्वास्थ्य की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, सारी समस्याएं जनसंख्या से जुड़ी होती हैं। तो इसलिए हम लोगों का उद्देश्य है, हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और इसलिए प्रचार प्रसार के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करें, ताकि वो जनसंख्या के कंट्रोल के नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपनाएं और जनसंख्या कंट्रोल करें। एक और आपसे विशेष करनी कि हर साल की तरह हम लोग जो स्वास्थ्य मेला लगवाते हैं, रोज हम लोग कहीं इंस्टॉलेशन कैंप लगवाते हैं। इस साल हम लोगों ने एक सारथी वाहन भी निकाला है, जो कि पूरे जनपद में ग्रामों में घूम रही है। इस सारथी वाहन की विशेषता ये है, इसमें हमने एक सलाहकार रखा है, जो कि गाँव में घूम घूम के जो गाँव के हमारे वासी हैं, जिनको कुछ सहायता नहीं मिल पाती, जिनको उचित परामर्श नहीं मिल पाता, उनको हमारे परामर्शदाता उस गाड़ी में बैठे हैं, उनको परामर्श देंगे, उनको परिवार नियोजन संबंधी विधियों से कोई सहायता चाहिए, जैसे उनको पुलिस चाहिए या निरोध चाहिए, या उनको कापर डिग्री उचित दिशा निर्देश चाहिए, सहायता चाहिए, वो उपलब्ध कराएंगे। परिवार नियोजन संबंधी सारे उनके साहित्य उपलब्ध है, वो करवाएंगे वो, और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी पुनीत राशि कार्यक्रम में हमारा सहयोग करेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अजेलिया क्रोकरीज। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर, अजेलिया क्रॉकरी, गुदरी बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रॉकरीज। Hi, this is Natkhat Pari from Balveer, from Sub TV, and you're watching City Hulchal. Khabar zara hatke. Hi, मैं हूँ परेश गणात्रा और आप देख रहे हैं City Hulchal. नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं City Hulchal पे। बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए। Hi, मैं हूँ कुणाल गांजावाला और आप देख रहे हैं City Hulchal. Hi, मैं हूँ आमिर अली और आप देख रहे हैं City Hulchal. हाय, मैं हूँ शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूँ संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रताप फौजदार, अरे लाफ्टर चैंपियन। आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन, जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा। मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स, ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स,
ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्लूटूथ, पावर बैंक, चार्जर, हैंड फ्री, सेल्फी स्टिक, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप लैमिनेशन, मोबाइल फोन लैमिनेशन विद फोटो, हेडफोन्स, म्यूजिक सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर्स, फिलिप्स, एफएमजी, आईबॉल, इंटेक्स, मिताशी, आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम, प्रोप्राइटर हर्ष गुलाटी, 7 गोल मार्केट, निकट शिव चौक, मुजफ्फरनगर, कॉन्टैक्ट नंबर 01312635555। Hi, this is Simran and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। Hi, मैं हूँ बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं City Halchal, खबर जरा हटकर। Hi, मैं हूँ तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं City Halchal, खबर जरा हटके। Hi, this is पंचाली and you're watching City Halchal। हाय, मैं राकेश बेदी हूँ और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नमस्कार, मैं हूँ सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूँ रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, दिस इज नीलिमा अजीम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, दिस इज निकिता निगम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज कायना अरोरा एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। नमस्कार, मैं हूँ उदिता गोस्वामी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सिटी हलचल। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की धरोहर कंचन तारा, 1650 लहंगों का भव्य शोरूम, शिव चौक मुजफ्फरनगर, कंचन तारा, जहां से होती है फैशन की शुरुआत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने सर्कुलर रोड स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। बुधवार को जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने सर्कुलर रोड स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने लिपिक कार्यालय, फाइल संग्रहालय सहित सभी विभागों का निरीक्षण किया, जहां जिलाधिकारी को कई विभागीय कार्यालयों में खामियां मिली जिन्हें जल्द ही सुधार के आदेश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बीएसएच चंद्रकेश यादव को मिली खामियां सुधारने और फाइलों के सही रख रखाव के आदेश दिए। बीएसए कार्यालय में ये हमने इनॉग्रेशन किया था, तो हमने ये कार्यालय भी इनका देख लिया। कार्यालय में और तो कोई मेजर समस्या नहीं देखी, कुछ प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट्स बताए हैं, उसके अलावा एक दो पटल सहायक ऐसे मिले जो 3 साल से ऊपर के थे, उनको बता दिया गया है कि उन सभी का रिव्यू कर लिया जाए, कोई भी ऐसा पटल सहायक ना बचे जो सरकार द्वारा दिए नियम के विपरीत अपने पटल पर काम करें। नई मंडी थाना क्षेत्र के बालाजी रोड पर नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार युवक ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची घायल हो गई। वहीं लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बुधवार को नई मंडी थाना क्षेत्र के बालाजी रोड पर नशे में धुत एक कार सवार युवक ने स्कूल से लौट रही एक छात्रा को टक्कर मार दी, जिसमें छात्रा घायल हो गई। वहीं लोगों ने नशे में धुत कार चालक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल कुकड़ा शिवनगर निवासी हरिशंकर शर्मा की पुत्री स्कूल की छुट्टी के समय घर वापस आ रही थी, जब वह बालाजी रोड पर पहुंची तो नशे में धुत कार सवार युवक ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची घायल हो गई और कार सवार युवक को दबोच लिया। वहीं बच्ची के परिजनों को मामले की सूचना दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। मेरी बच्ची स्कूल से आ रही थी बालाजी रोड पर, पीछे से गाड़ी वाले ने ऊपर गाड़ी और उस पर काफ़ी चोट आई है, और ड्राइवर जो है नशे की हालत में था बहुत, और अकेला ही हम उसे थाने लाए, उसकी रिपोर्ट कराई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और मैं चाहता हूँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा चले, क्योंकि शराब के नशे में तो कोई भीड़ के अंदर वो गाड़ी चला रहा है,
और बच्ची मरने से बची है। शिवनगर कुकड़ा राजवल सिंह गोली बारहवीं पढ़ाई किसी का रोकना खराब हो गया, हाथों में बहुत चोट है, अंदर चोट है, मेडिकल करा दिया जैसे कि आलमगढ़ भी अंदर है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों का नगर में आगमन शुरू हो गया है, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों का जन सैलाब नगर में आगमन होने लगा है। वहीं जिला और पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और नगर में भारी वाहनों का आवागमन भी बंद कर दिया गया है। वहीं जगह जगह पुलिस बल के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया है। हर चौराहे पर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो हर समय जिला प्रशासन से संपर्क में रहेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी हलचल की पूरी टीम को इजाजत।